नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जंजीर और राजेश खन्ना की निजी ज़िंदगी की होगी। जंजीर साल 1973 से पहले आनंद ही अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। उससे पहले उनकी कई फिल्में आई थी, लेकिन उन फिल्मों में बस उन्हें नोटिस किया गया, ऐसी कोई फिल्म नहीं रही जिसे एक सफल, एक कामयाब फिल्म के तौर पर आंका जा सके। लेकिन जंजीर से पहले सिर्फ आनंद ही एक ऐसी फिल्म थी राजेश खन्ना के साथ जिसमें अमिताभ बच्चन को सही से नोटिस किया गया, उनको एक कामयाब हीरो के तौर पर देखा गया। हालांकि वो उसमें सहकलाकार की भूमिका में थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की इकलौती हिट फिल्म, सुपरहिट फिल्म जंजीर से पहले सिर्फ आनंद थी और उन्हें ये फिल्म नहीं मिलती अगर किस्मत उनका साथ ना देती। असफल फिल्मों के साथ जुड़े होने की वजह से अमिताभ दूर दूर तक प्रकाश मेहरा या सलीम जावेद के जहन में नहीं थे, और अगर जंजीर को कई लोगों ने नामंजूर ना किया होता तो वो अमिताभ बच्चन की तरफ ध्यान भी नहीं देते, ये भी एक सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि जंजीर ऑफर किसे किसे हुई थी। तो अमिताभ से पहले राजकुमार, देवानंद और शायद धर्मेंद्र ने भी इस पटकथा को सुनकर नामंजूर कर दिया था, जो आखिरकार हिंदी सिनेमा को उसका सबसे प्यारा किरदार देने वाली थी। हाथी मेरे साथी से जगाई उम्मीद को सलीम जावेद ने सीता और गीता और यादों की बारात में आगे बढ़ाया था, लेकिन जंजीर के लिए उन्हें कोई बड़ा सितारा नहीं मिल रहा था। प्राण और ओम प्रकाश ने, जिन्होंने इत्तेफाक से जंजीर में अहम किरदार निभाए, ओम प्रकाश मेहरा को अमिताभ के नाम की सिफारिश की गई। अब ओम प्रकाश मेहरा खास खुश तो नहीं हुए और दोनों लेखकों से, सलीम जावेद से, बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को देखने के लिए कहा, जो उस समय सिनेमाघरों में चल रही थी। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में मारधाड़ वाले सीन ने जावेद अख्तर को यकीन दिला दिया कि अमिताभ बहुत बढ़िया विजय बन पाएंगे, और अगर वही मुहावरा इस्तेमाल करें तो बाकी इतिहास है ही। खैर, जंजीर की कहानी ऐसी नहीं थी जिसे राजेश खन्ना के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन तर्क के लिए कह सकते हैं कि अगर ओम प्रकाश मेहरा अगर इस बात को समझ रहे थे कि कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो लीक से हटकर हो, देवानंद को विजय की भूमिका में लेने के बारे में सोच सकते थे, तो फिर राजेश खन्ना के मुख्य किरदार होने के बारे में सोचना कौन सी बुरी बात थी। लेकिन अपना पहला बड़ा मौका उनके कारण पाने के बावजूद भी इन लेखकों ने जो फिल्में लिखीं उनमें से किसी के लिए भी राजेश खन्ना के बारे में सोचना किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा, ना तो सलीम खान ने और ना ही जावेद अख्तर ने, जबकि सही मायनों में सलीम जावेद की जोड़ी को फिल्म हाथी मेरे साथी से एक बड़ा ऑफर, एक तरीके से जो बाईलाइन जिसे कहा जाए, जिसका नाम स्क्रीन पर आया, तो वो मौका राजेश खन्ना ने ही दिया था। लेकिन इस बात को ना तो सलीम खान कभी माने और ना ही जावेद अख्तर। खैर, अपना अपना सबका नेचर है, और सलीम खान की माने तो हाथी मेरे साथी के बाद इस जोड़ी के साथ राजेश खन्ना के साथ फिर कभी काम न करने के पीछे राजेश खन्ना का अपना रवैया था। सलीम खान कहते हैं कि वो समझते थे कि उनकी फिल्में उनकी वजह से कामयाब होती थी और कभी उन लोगों को नहीं सराहा जो उनके साथ काम करते थे, जिसमें सलीम जावेद खुद भी हैं। हिंदी सिनेमा में लेखकों की तरफ नज़रिए को बदल डालने वाली जोड़ी का आधा हिस्सा सलीम खान मानते हैं कि राजेश खन्ना ने उन रिश्तों को संभाल कर नहीं रखा जो उन्हें संभालने चाहिए थे, और ऐसा सोचने में वो ज़्यादा गलत भी नहीं है। जब हाथी मेरे साथी बन रही थी तो सलीम जावेद को महज 10,000 रुपये दिए गए थे, जो उन्हें सिप्पी फिल्म्स में मिलने वाली मासिक तनख्वाह 750 रुपये से बहुत ज़्यादा थे। अब आप सोचिए, 750 रुपये महीने के मिलते थे सलीम जावेद को सिप्पी फिल्म्स में, और उस 750 की जगह सीधे 10,000 रुपये एक फिल्म लिखने के लिए राजेश खन्ना ने दिलवाए। और फिर भी राजेश खन्ना की मेहनताने के मुकाबले बहुत कम था, क्योंकि उस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने तकरीबन 5,00,000 रुपए लिए थे। अब सलीम खान का मानना है कि राजेश खन्ना के साथ
तथाकथित बादशाही अंदाज के बावजूद राजेश खन्ना बड़ा दिल नहीं दिखाते थे, जहां पर जरूरी होता था, और जहां जरूरी नहीं होता था वहां पर दिल खोल देते थे। वो कहते हैं कि हमें उस तरह की मदद नहीं मिली, इसलिए हमने सोचा कि हम किसी और का साथ देंगे। उनका ये कहना है सलीम खान का बाद के दिनों में। राजेश खन्ना की परेशान इंस्पेक्टर विजय के रूप में कल्पना कर पाना मुश्किल है, जो अंततः कानून को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन इसके लिए अमिताभ बच्चन का लिया जाना उनके करियर का एक नया मोड़ साबित हुआ। हम सभी जानते हैं कि अगर जंजीर ना आई होती तो शायद अमिताभ न बन पाते, और इसी की वजह से उन्हें एंग्री यंग मैन का एक खिताब भी दिया गया, जो जंजीर के बाद सलीम जावेद की हर एक पटकथा के केंद्र में होता था। अब आप अक्सर अपनी किस्मत को उसी रास्ते पर मिलते हैं जो आप उससे बचने के लिए उसे अपनाते हैं। और जब तक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दूसरी फिल्म के लिए एक साथ आए, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। हालांकि राजेश खन्ना अभी भी काफ़ी बड़ा और ज़्यादा वजनदार सितारा थे, नमक हराम में वो अपने उतने आत्मविश्वास से भरे नहीं थे जितने आनंद में थे। राजेश खन्ना की हैसियत बदल जाने से ज़्यादा अमिताभ बच्चन की हैसियत में बदलाव की वजह एक बड़ा फर्क आया था। वो अब भी अछूत नहीं रह गए थे जो वो हुआ करते थे किसी ज़माने में, और काफ़ी हद तक एक छिपे रुस्तम की तरह उभरे थे अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना नमक हराम में सबसे अहम हस्ती बनकर शामिल हुए थे, लेकिन जब तक फिल्म दर्शकों तक पहुंची, उन्होंने हवा के नए रुख को पहचान लिया। किसने? राजेश खन्ना ने। जब राजेश खन्ना को नमक हराम पेश की गई तो उन्हें बिगड़े दिल विकी की भूमिका करनी थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए सोमू का किरदार चुना। ईमानदार गरीब आदमी, क्योंकि अंत में वही मरता है। सफर और आनंद की सफलता के बाद राजेश खन्ना में पर्दे पर अपनी मृत्यु कामयाबी की गारंटी होने का एक अंधविश्वास सा उन्हें हो गया था, और उन्होंने उनकी शख्सियत के मुताबिक पटकथा को दोबारा लिखे जाने की फरमाइश की। एक बार फिर आनंद की तरह उन्होंने अमिताभ बच्चन के विकी के किरदार में होने की परवाह नहीं की। उनके सोमू की भूमिका निभाने के फैसले की वजह से भूमिका की लंबाई बदली गई। अब चूंकि राजेश खन्ना अड़ गए थे और राजेश खन्ना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, अब ये सब कुछ हो रहा था। और अब चूंकि उनकी भूमिका न सिर्फ ज़्यादा लंबी थी बल्कि हर मायने में उसे लेखक का सहारा भी था, और जहाँ तक डायलॉग्स की बात है वो काफ़ी असरदार और नाटकीय थे। कई बढ़िया गीत उन पर फिल्माए जाने थे, इसलिए राजेश खन्ना को यकीन था कि नतीजा आनंद जैसा ही होगा। नमक हराम के तीन निर्माताओं में से एक जयेंद्र पांडे के बेटे विश्वास पांडे उन दिनों को याद करते हुए बात के दिनों में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कैसे राजेश खन्ना को भरोसा था कि वो आसानी से अमिताभ बच्चन को हरा देंगे या किसी और को भी। आखिरकार जब फिल्म रिलीज हुई तो नतीजा बिल्कुल अलग था। ज़्यादातर तारीफ अमिताभ बच्चन के हिस्से में आई। एंग्री यंग मैन की छवि को पहले पहल गढ़ने वाली फिल्म जंजीर के मुकाबले नमक हराम से उस छवि को तराशा जिसे अमिताभ बच्चन ने आगे चलकर दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों में और भी जांचा परखा, उसे और तराशा। अमिताभ बच्चन का विकी आनंद में उनके भास्कर से बहुत अलग था, और पर्दे के बाहर उसके रुतबे में आए बदलाव ने भी उसकी अदायगी पर असर डाला था। जहां आनंद का भास्कर आनंद का दोस्त बन जाता है, जो किरदार निभाने वाले अदाकार की तरह उसके रौब में रहता है, वहीं नमक हराम में विकी और सोमू एक दूसरे के बराबर हैं, जिससे उनकी दोस्ती में फ़र्क भी है। और वैसे भी जाहिर था कि राजेश खन्ना पहले ही चकरा देने वाली ऊंचाइयों को छू चुके हैं, इसलिए अब बहुत बढ़िया अदाकारी भी उनके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए ये एक तरीके से शुरुआत थी। आनंद के अंत में जब दर्शकों ने राजेश खन्ना को मरते देखा तो किसी और की परवाह नहीं थी, लेकिन नमक हराम में राजेश खन्ना की मौत, फिल्मी मौत ने अमिताभ बच्चन को एक नया जीवन दे दिया था। अब आम दर्शकों और आलोचकों दोनों के लिए अगर आनंद राजेश खन्ना के बारे में थी तो नमक हराम खासकर सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की बन गई। हालांकि दोनों फिल्मों के निर्देशक के लिए ठीक इससे उल्टा था। ऋषिकेश मुखर्जी वो अकेले
हिदायतकार जिनके लिए राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने हर एक फिल्म में शानदार अभिनय किया, उनके अनुसार आनंद में अमिताभ बच्चन तारीफ बटोरने वाले थे, जबकि नमक हराम में राजेश खन्ना ज्यादा चमकने वाले थे। दोनों फिल्मों के 25 साल बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि नमक हराम में अमिताभ बच्चन की भूमिका को आनंद में राजेश खन्ना की भूमिका की तरह लेखकों का पूरा सहयोग हासिल था, इसलिए वो निभाना आसान था और हिदायतकार के रूप में वो आगे की कुर्सी से देख परख सकते थे और इसलिए एक आम दर्शक से उल्टा वो आनंद को अमिताभ बच्चन की और नमक हराम को राजेश खन्ना की फिल्म मानते हैं, जबकि दर्शकों के नज़रिए से बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा है। साल 1973 में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों के लिए ऐतिहासिक साल था और नमक हराम ने सुपरस्टार और अमिताभ बच्चन के बीच समीकरण बदल दिए थे और राजेश खन्ना इससे अनजान नहीं थे। राजेश खन्ना ने ही नमक हराम के प्रीमियर पर ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि उनका वक्त ख़त्म हो गया था और अमिताभ बच्चन नए सुपरस्टार थे। एक कमज़ोर लम्हे में किसी का जाहिर सी बात कहना समझा जा सकता है, लेकिन श्याम केशवानी जो राजेश खन्ना को उनके शिखर के समय से जानते थे और फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन जो राजेश खन्ना को जीवन भर से जानते थे, उनको यकीन करना मुश्किल लगता था कि राजेश खन्ना इतने दरिया दिल हो सकते हैं करियर के मामले में। केशवानी इस ख्याल को ही खारिज करते हैं और कहते हैं कि जिस राजेश खन्ना को वो सातवें दशक के शुरू से जानते हैं, उनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन के होने भर को कबूलें। उनको अगला सुपरस्टार बुलाना तो छोड़ो, इतना ही बड़ी बात थी कि वो उनको कबूल कर लें। अली पीटर जॉन ने राजेश खन्ना को बार बार अमिताभ बच्चन की बेइज्जती करते देखा था जब वो बावर्ची के सेट पर जया भादुड़ी से मिलने आते थे। अली पीटर जॉन बताते हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन, जो उन दिनों अभी तक ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, और अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड जया और असरानी जैसे अन्य दोस्तों के साथ उनकी शूटिंग की जगह पर समय बिताया करते थे। एक बार उसने राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन को ताना मारते देखा, बताते हैं, जिन्होंने लगातार अपनी दूरी और धीरज को बनाए रखा। जब राजेश खन्ना ने उन्हें मनहूस कहा तो जया ने तय किया कि अब बहुत हो चुका और वो राजेश खन्ना के सुनने के दायरे तक आईं और ऐलान किया कि एक दिन दुनिया देखेगी ये आदमी कहाँ होगा और राजेश खन्ना कहाँ होंगे। जया का ये पैगंबरी अल्फाज सच हुआ। सलीम जावेद की सफलता और अमिताभ बच्चन को उनकी पटकथाओं के मुख्य आधार होने की वजह से जाहिर था कि ये लेखक बच्चन पर बाजी लगाने को तैयार थे और धीरे धीरे अपनी कम शोहरत को वापस पाने के लिए राजेश खन्ना को कुछ ज़बरदस्त चाहिए था, कुछ ऐसा कि जो सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच ले, सब कुछ अपनी तरफ ले आए। और राजेश खन्ना ने वही किया। क्या किया अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।